सो हेलो एवरीवन, आइए आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे और उस बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक पोर्शन तक आ गया था, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स और ये आपको नीट के बच्चे हों या आप जेई के बच्चे हों, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिक मैथमेटिक्स आपको करना है। तो लास्ट क्लास में हमने डोमेन रेंज के बारे में बताया था आपको कि फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा उसी में आगे बढ़ा के दिखाते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, या ये हमारा जीरो हो गया, इधर से आएंगे तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई बाई टू। ये कितना हो जाएगा, पाई। ये कितना आ रहा अपने पास, 3π/2, और फिर एक चक्कर कंप्लीट लगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2π, है ना। ये गया π/2, फिर आ गया पाई, फिर हो गया 3π/2, फिर हो गया अपने पास 2π। ध्यान दीजिएगा, ये जो 0, 2π, ये सब है ना, सब सेम है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि साइन 2n पाई, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा, तो 2n पाई प्लस थीटा हमेशा ही क्या होने वाला है, साइन थीटा होने वाला है, क्योंकि साइन 2n पाई प्लस थीटा हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेंगे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसमें भी ये काम में आता है हमारे पास। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ कि साइन ऑफ n पाई प्लस -1 टू द पावर n (θ), तो ये वैल्यू हमेशा क्या होता है अपने पास, साइन थीटा के इक्वल आ जाता है, ठीक है। सेकंड सेकंड देखिए, अगर कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा हो जाए, तो इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर ही आता है। और टेन थीटा में क्या होता है, तो tan(n π + θ), तो इसका वैल्यू हमारा टेन थीटा के बराबर होता है। फॉर ऑल केस एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ए रिजल्ट वैलिड है, ठीक है, ईजी है ना। चलिए, अब कुछ और हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं जिसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रिजल्ट ध्यान से देखिए, नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट करते जाना है सारे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें क्या, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को रखना है इधर में। तो एक तो ये फार्मूला होता है कि sin(a+b), कई लोगों को पता होगा, इसका प्रूफ भी होता है। तो sin(a)(cos(b)+cos(a)(sin(b), ठीक है जी। अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाए तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें cos(a+b) का, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज cos(a)(cos(b)-sin(a)(sin(b). अगर यहाँ माइनस का साइन होगा ना, तो यहाँ पे अपने पास प्लस आ जाता है, ठीक है इस बात को। तो इसी पे बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, चलिए टेन का भी दिखाई देता हूँ। तो अगर हमारे पास है tan(a+b), तो इसका फार्मूला क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू tan(a+tan(b)(1 में आ जाएगा नीचे में tan(a)(tan(b). और जब यहाँ पे मैं माइनस का साइन डाल दूँगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये पलट कर पढ़ के अपने पास प्लस हो जाएगा। ये टेन के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। चलिए कुछ और, ये तो आइडेंटिटीज हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कि sin²θ बोले या x बोल लो, प्लस cos²x का वैल्यू क्या होता है अपने पास, 1 होता है, 1 प्लस tan²x इज इक्वल टू
ये होता है sec square x, एंड एक और थर्ड रिजल्ट क्या है अपने पास, 1 plus cot square x, दिस इज इक्वल टू cos x square x। तो ये अपने पास तीन रिजल्ट यहाँ पे इस तरह से आता है। ये हम लोग सब जानते हैं कि tan थीटा हो या tan x हो, इसको हम लोग sin x अपॉन cos x पे लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं sin थीटा जो होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, कहाँ से आ रही बात, यहाँ से, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू ये 1 प्लस होगा कि, ठीक है ठीक है सही। तो ये सब बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सिमिलर तरीके से। कॉसेक टेन सबको हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहीं पे देखिए ना, अगर मैं पूछ दूँ कि बताइए तो साइन ऑफ ए, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस जो साइन स्क्वायर बी है ना, इसका रिजल्ट होता पता है क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और इसको अगर कॉस के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ए अपने पास क्या हो जाता है जी, कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी, दिस इज सेम एज कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अगला तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या पढ़ा है हमने, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ बी का वैल्यू ए में, तो देखिए यहाँ पे अपने पास इधर में साइन टू ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर से हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, यानी कि दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम लोग, कॉस टू एक्स का कॉस टू ए, तो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला फिर लगा देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं पता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 minus 2 sin स्क्वायर ए। तो सारा का सारा सेम रिजल्ट है। इसी फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर ए का वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 1 plus cos ऑफ 2a बाई 2, और अगर इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे sin स्क्वायर ए का वैल्यू निकालें 1 minus cos ऑफ 2a बाई 2, ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। tan a का देख लीजिए, तो हमने पढ़ रखा है कि tan ऑफ a प्लस बी दिस इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b होल डिवाइडेड बाय 1 minus tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ भी पुट कर दूँ b और a को इक्वल कर दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस a tan 2a दिस इज इक्वल टू पर में हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 minus tan स्क्वायर a।